हेलो दगड़ियो, गुड मॉर्निंग। पहला कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो बाकी मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो मैं ना उत्तराखंड से आपका स्वागत करता हूँ अपने एक और नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है नेताजी के घर के नीचे खेतीबाड़ी से। तो बाकी मैं नेताजी मस्त करके प्याज को अच्छा क्यारियाँ बना रहे हैं, क्यारियाँ तो और खैर बन गई हैं, और बुरा बाकी बाहर लगा रहे हैं, और बाकी सुबह का नाश्ता भी कर लिया है। ये देखो, और क्या हो रहा है नेताजी? और बुरा क्या हाल है रिचर्ड? बस बढ़िया रे, बढ़िया, और सब ठीक ठाक से? सब बढ़िया बढ़िया। नाश्ता पानी हो वो गया? नाश्ता पानी तो हो गया। आप तुम्हारा नाश्ता पानी हो गया? और मेरा नाश्ता पानी अब कृषि में जोर हो रहो चो अच्छा लालन प्याज जोर हो रहो अच्छा, पहाड़ों में क्या क्या हो रहा है आजकल? आजकल पहाड़ों में कृषि कार्य हो ही रहा है। पीछे अच्छा, ये हाँ सब्जी उद्यान हो रखा है, ये प्याज की क्यारी है, हाँ ये लहसुन है, हाँ ये मेथी है, हाँ ये सरसों है। तो हाँ आजकल ये उद्यान पर लगे हैं। हाँ ठीक है। अपने पहाड़ों में अब ऐसे तो कार्य अपने अपना हो लगे पहाड़ों रहो। में जो है हाँ और रोजगार तो है नहीं हाँ यहाँ, वही तो, तो अपने आप लोग तो 90% नीचे चले गए महाराज। हाँ वही तो, ये कोड़ी होड़ी बहन है जी सब को नागी तो समय सब, है कि हाँ उन्हें अपने खेती बाड़ी को सब छोड़ के चले गए। वाह साहब। यह बाघ डर है गे, सुंगरा डर रहे, छिछिया बाघ डर रहे गे फिर बोलियो। वही तो, तो हम तो हम मत तो कहूँ कि सरकार है कुछ करो। हाँ अब जो ये बैंक खेत जनूर का है तो वह इब्जिम को दूसरे का बसाओ, हाँ जैसे हाँ वो तो बात या सही वो है। का कहीं लीज ईज में दियो हाँ कुछ, उसके लिए खर्चा पानी दो हाँ जो कि ये कमीन है। हाँ और ये क्या गोरू पर दिन बती, ये लॉ कानून वालों ने ये हाँ गोवंश में जो है यहाँ पूरा देश में कानून मनाया है, तो हाँ हमारा उत्तराखंड तो जीरो में चला गया उस दिन। यही हाँ तो हम अपील कर रहे हैं कि हमको तो अलाव करे को मारने पर बैन है, पालने में तो हाँ नहीं है, हाँ वो तो है, बात कोई सही है। उनको बेचने बाचने में व्यापार करने में तो हमारे तो नेता जितने भी आए ये बिल्कुल जीरो में रहे। हाँ हमारा इन्होंने पशुओं का मेला छोड़ दिया, हाँ हमको भगा दिया वहाँ से, फिर और अपने आप वहाँ नेताओं ने मकान बना के हाँ, खड़े अपना कर पेट दिए, भर रहे हैं, अपने लिए सब कुछ कर रहे अपने हैं। लिए पेट भर दिया। जितना हाँ भोटिया पड़ा में था सब नेताओं ने अपना कब्जा कर लिया वहाँ, फिर और जबकि हमारा मेला का ठिकाना था वो, हाँ और हमारे गाय बच्चिया बकरी हम बेचे तो कहाँ ले जाएं। वही तो, वहाँ तो हरियाणा से आते थे, राजस्थान से आते थे, यूपी से आते थे, हिमाचल से आते थे, तब हाँ व्यापार बहुत अच्छा चलता था, तब फिर, लोग बैल वगैरह पालते भी थे। और आज की डेट में हैं ये कुछ आज भी के नहीं डेट है। में तो बिल्कुल जीरो, इसीलिए तो मंजर हो गया हाँ वही तो, किसी ने नहीं। पाले भी है तो बहुत, ऐसे बूझा बाजी को तो आएगी, आप ये झाड़ियाँ देखो बहुत हो चुकी ये है। जी बागड़ है, ये तो वही मैं तो, सरकार से अपील कर रहा हूँ कि इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करो हाँ हमारे जो लिए। पहाड़ में उन्हें रोजगार करो नहीं कुछ, अब यह हमारे जो बच्चे प्रधान है वहाँ ये। 10,000 में दिल्ली में भग गए हैं, हाँ अब वो उनका कहना है कि वो इफने के रोजगार नहीं, फिर इफने के रोजगार नहीं, हाँ रोजगार तो आओ है, फनो 10,000 में भूख मराई है वो फिर शहरों, वही तो, और और इतना सुंदर हवा, इतना सुंदर पानी हाँ कहाँ है, वहाँ प्रदूषण इतना, आज उतना प्रदूषण देखो ना वहाँ रह रहे, यार, मर वो रहे, सड़ रहे। घामनिया हूँ फिर तरह पहाड़ कहे हो दिल्ली, दिल्ली दिल्ली तरह कहे हम दिल्ली रोनू दिल्ली रहनु, है, आ युवा नैनी अगले नीचे फिर और नन घूमे हैं। अब क्या बताऊँ तुमको वही तो, है, अब वो कारण क्या है कि सबको दिल्ली चाहिए। आजकल नैनिया नहीं मिले और को महाराज तुम्हारे पास नैन थे, वो कहो महाराज तुम्हारे दिल में मकान थे, फिर तब तुमको नैन दिनों चाहे वो नान कथकोले पढ़ी लिखी था, कथकोले अच्छे लाइन पर चल रहा है, लेकिन उसके लिए बना हो जाती है। वही तो, फिर और जो उफान खाए ली अबारस है ये थे, बस दिल्ली उफान नन जा दिया अबारस, और उनको फैट मिल जाए हैं को दिल्ली सा जो जो बाल से या हाँ वही तो, यही अच्छा, और यही बस भाई कमाने वाला, यही है बस, भाई और कोई नहीं। तो बोला जाओ सा हम तो तुम्हें सब को भारत सरकार से भी कहता हूँ हाँ और राज्य सरकार से भी कहता हूँ, और यहाँ के जो भी ये एक श्री एक से लेके जट तक हाँ जो चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, कि कम से कम यार कुछ करो तो ये सही हमारे पहाड़ों ध्यान में। तो दो ध्यान हमारे, हम अभी तक रोड से बनते थे बताओ। फिर रोड भी आई है, पर हाँ रोड की रोड सफाई हो रही इन्होंने है? पैसा कमाने के लिए टेंटर वालों ने, ठेकेदारों ने मिल भगत से इतनी इतनी दूर पहुंचा दी रोड कि हमको कोई सुविधा ही नहीं मिले रोड फिर अरे तो ये बताओ, है। जो हमारे गांव के ऊपर रोड आ फिर रखी है, आप मान लो ये रोड जनहित के लिए खोली गई या वो जंगलों में दिखाने फिर के लिए वही खोली तो, गई ये बस दिखा रहे कि रोड बना के भाई, एक बार रोड से। हमारे इतने ये जो जितने भी हम नदियों के या इर्द गिर्द में हैं, हाँ हम ये रोड से बिल्कुल वंचित हैं, हाँ और यहाँ फिर के गांव वैसे
ये जो प्लान का कारण भी है उनका भैया, और जगह तो रोड आ गए, हमारे वहाँ तो ये रोड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर और लोग भग के चले गए। हाँ। ओ फिर मजार में बस गए लोग, वही तो अपने पहाड़ को छोड़ के इतनी हवा पानी अच्छी हुई, तो यहाँ तो हवा है पानी को नहीं मैं लगा हूँ। हाँ। अपने प्याज की क्यारी है, ये मटर है, फिर नहीं वो पपीता का पेड़ है। हाँ। वो आपका क्या नाम लेते हैं, अनार का पेड़ है, वही तो। तो ये उद्यान तो चलना पड़ेगा, जब घर पर रह रहे तो कुछ नहीं। हाँ। तो मोदी 2000 रुपया दे रहा है, सालाना का 6000 रुपया दे रहा है। हाँ। तो उसका कुछ ना कुछ तो उधार करें हम। हाँ। वही तो, मैं तो धन्यवाद करता हूँ मोदी जी से भी, जो कि बंजर भूमि के 6000 रुपया सालाना दे रहे। हाँ, वही तो है? फिर यही तो है ना, और उनको पैसा मिल रहा है ये इसका। हाँ। और वो कहाँ है जी, दिल्ली खाता खोल रखा है कॉलम में, फिर आपके तो, और वो खेत हो गए बंजर, देखो ये सारे बंजर पड़े पूरे बंजर, ये देखो ये घर के बगल पे होते हुए भी फिर ये पूरा बंजर पड़ चुका है। नहीं तो ये भी अभी वो उदागर होता ना, आप ये मकान को देखो ये सारा टूट फूट चुका है। आप भैया जो अपने घर को छोड़ जाएगा तो ऐसे ही तो होगा ना, ऐसा होगा। हाँ। यहाँ सुंगर नहीं आएगा, क्या आएगा भाई, सुंगर बाघ सब यही जंगल में यही रहेंगे। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि अपने गांव को छोड़ो, ऐसे मजा पहाड़ को छोड़ के बनी जाओ, छोड़ के जल्दी से जल्दी। हाँ, फिर आ जाओ पहाड़ों पास, जाओ पहाड़ों में आ जाओ, हवा पानी लो और मंडुआ का भोग लगाओ, झुंगरे की भात खाओ। तो मैंने तो जगह पिछले जमाने में था ना, कि सब उपजाऊ खेत होता, ऐसी खेती अब क्या हो सकती है आपके मांगने से? हो सकती है, आजकल तो टेक्निकल है, आजकल तो ऐसी, पहले तो इतना टेक्निकल नहीं थी, पर आज की डेट में है भी। तो ऐसे साइंस आ गए कि आज मैं इस प्याज को लगा रहा हूँ, कल मैं इसका गंठी खा सकता हूँ, फिर कल फिर, आजकल तो ऐसी खेती उपजाऊ हो रही, फिर नहीं तो आप लोग आए अपना उद्यान करें। हाँ। लेकिन अब नहीं चाहते हैं लोग कि हम आए ये अगर देहातों में बसे। हाँ। आजकल सबको चाहिए जींस। हाँ। और इलू पीलू फैशन और कुछ नहीं, इलू पीलू में सारा पैसा हो नहीं हो, फैशन के फैशन में जोर, बुलबुली होनी चाहिए, काला चश्मा होना चाहिए, जींस की पैंट होनी चाहिए, सेंटदार खुशबू होनी चाहिए, फिर आधे आधो आदमी ले या चेजू ले चलू ले अपन चेहरा बिगाड़े, फिर लियाओ क्रीम लाइट मारे है, हम तो लाइट मार रहे हैं जबकि हमको 60 साल से भी ऊपर हो गए। फिर अभी कोई कोई फुंसी ना, कोई दखन नहीं, कुछ नहीं। और आज की डेट में 15-16 लड़के हो, 15 साल उम्र के हो गए, फिर दीदी हो गए, ये चीज मत लगाओ ना चेहरे पर, इनको लगा के आ रहे हैं पहाड़ में था और आना पड़ेगा, एक दिन आना छपाएंगे, एक दिन पहाड़ ना वहाँ धक्कम धक्का आ रहे हैं झटके, जापान में आ गया झटका, फिर अब यहाँ भी जब आएगा तो दिल्ली आधे वैसे ही भग जाएगी, जैसे एक बीमारी और आएगी तो वैसे ही भगेंगे। जब कोरोना आया था COVID-19 तो सब घर आए नहीं आए, दिल्ली से पहाड़ी आए। आप तो इनके माँ बाबू को तो पता है कि हमारा गांव है, आने वाले पीढ़ी जो इनके नाती नतने उनको पता ही नहीं होगा हमारा गाँव कहाँ है, हमारी जमीन वो पता कैसे पता, उनको पता ही नहीं है हमारा गाँव, उनका जन्म भी नहीं हुआ दिल्ली में हुआ, अब वही दिल्ली में रहेंगे कहाँ कैसे पता चलेगा। जैसे और राज्य सुविधा दे रहे हैं वैसा हमारे उत्तराखंड सरकार भी दे दी। हाँ। चाहे वो हरियाणा में लागू हो, चाहे वो यूपी में लागू हो, वैसे हमको भी दे रखा है, लेकिन आप लोग समझे आए तो सही, वही तो फिर लेकिन क्या? वो दिल्ली में ही आड़ बांध रखा है, ऐसे तो ना होता है आजकल, बिल्कुल उनको सूरज के दर्शन ही नहीं हो रहे। हाँ, पूरा कोहरा कोहरा हो रखा है, भगवान के दया से क्या चहल पहल हो रही है, वही तो क्या धूप खिल रही है मस्त करके, मस्त 7 बजे तक धूप में रहेंगे। नागर तो तातू बिल्कुल वो दिल बने बिल्कुल टोपी रही, टोपी लोबिल पहन में जाएगा, ये तो ठंडा थोड़ा हो रहा, पर यह कि थोड़ा बस सुबह शाम ठंड हुई हर जगह, सुबह तो ठंड है तो बोला यह था। हाँ तो ठीक है फिर, अभी धन्यवाद आपसे, चलते हैं फिर हम भी, जरा कृषि कार्य देखने आए मेरे। हाँ, और फिर आगे भी मिलते रहेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सर, ओके ठीक है। तो बाकी हमारी मुलाकात नेताजी से हो गई, तो बाकी नेताजी ने कृषि पर
बहुत अच्छी बातें बताई हैं। तो कृपा करके मैं यही निवेदन करता हूँ सभी से कि भाई अपने पहाड़ में जरूर आओ, पहाड़ को ऐसे छोड़ो मत, क्योंकि दिल्ली में एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि तुम सब लोगों को पहाड़ आना पड़ेगा, है ना नेताजी? बिल्कुल बिल्कुल राइट। जो आप ये अपने घर बार को छोड़ के जा रहे हो वो टूट फूट चुके हैं, कोई आप ऐसे तो नहीं कि कौन बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा जन्ना, तो टूट फूट चुके हैं। तो सभी से ये निवेदन है कि तुम पहाड़ आओ और पहाड़ अपने घर बार को ढंग से रखो, बना बुनो दो मस्त करके ना, कि आने कि आपकी आने वाली पीढ़ी कि उनको कोई दिक्कत नहीं होगी और अपने गाँव पहाड़ को जाने पर जान सकेंगे वो भी, ठीक है? हाँ, तो बाकी आप चलते हैं घर को, क्योंकि अभी खाना ना बनाना है, तो उसके बाद फिर जंगल में बक्सर जाना है, अपनी ड्यूटी है, तो ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। नहीं तो जी पपीते, हाँ ये पपीता की पेड़ देखो कितने मस्त करके और के, हाँ दिल्ली में ये मिलेंगे केमिकल वाला मिलेगा ना, इसमें तो स्वाद हो कहीं नहीं है। तो ताकि चलते हैं घर को। अच्छा, तो बाकी आज का ब्लॉग ये समाप्त करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी थी, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट मंथ, तब तक के लिए बाय बाय कर दो। बाय 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 बाय, ठीक है।